हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 जून के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं क्या क्या करंट अफेयर्स हैं आज के। शुरुआत करते हैं, पहला, 6 इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स अमोंग 8 विन यूएस नेशनल स्पेलिंग वीक। मतलब यूएस में एक ये कॉम्पिटिशन हुआ है जिसका नाम है यूएस नेशनल स्पेलिंग वीक, जिसमें 6 इंडियन ओरिजिन मतलब जिनके मतलब भारतीय मूल के 6 स्टूडेंट हैं, इन्होंने इस कॉम्पिटिशन को जीत लिया। टोटल इसमें कितने थे लोग, 8 थे। 8 में से 6 जो लोग हैं, 6 लोग वो हैं भारतीय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको एक प्राइज़ मिलेगा, $50,000 कैश मिलेंगे, ठीक है। और टोटल कितने लोगों ने कंपटीशन में भाग लिया था, मोर देन 550 लोगों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें 8 जीते हैं। और 8 में से जीतने वालों में 6 इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 6 लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं, मगर इनके फैमिली कहाँ पर रह रही है, यूएसए में रह रही है। और इन्होंने जीता है, क्या जीता है, नेशनल स्पेलिंग बी यूएस कॉम्पिटिशन, ठीक है। अगला, इंडियन ओरिजिन अनीता भाटिया अपॉइंटेड है यूएन वुमेन्स डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो अभी यूनाइटेड नेशंस की जो वुमेन डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है अनीता भाटिया को, ठीक है। तो अनीता भाटिया, ये अनीता भाटिया हैं, ये भारतीय हैं, ध्यान रखना, इंडियन ओरिजिन है, इंडिया से मतलब ये रही हैं। तो इनको क्या किया है, यूनाइटेड नेशंस की जो वुमेन डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के जो पद है, उस पर इनको अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। तो अपॉइंट किसने किया है, यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एंटियो गुटेरस, उन्होंने इनको अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। तो सी हैज बीन अपॉइंटेड द डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। तो इस वाले पोस्ट पर इनको क्या कर दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है वुमेन्स डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अभी जो गवर्नमेंट की जो जीडीपी ग्रोथ है, अभी रिसेंटली क्या है, कल परसों एक रिपोर्ट आई है जिसमें मतलब अपनी 2018-19 की क्वार्टर फोर, लास्ट क्वार्टर कब से कब तक चलता है, जो क्वार्टर फोर है वो चलता है जनवरी से लेके मार्च तक, ठीक है। तो जनवरी से मार्च के बीच में जो अपनी जीडीपी ग्रोथ रही है वो रही है 5.8, जो कि चाइना की जीडीपी ग्रोथ से क्या है, कम है। ऐसा किस लिए रहा है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही है, जिसकी वजह से हमारी जो फोर्थ क्वार्टर की जीडीपी है वो कम हो गई है और चाइना से कम रही है। तो इसी वजह से हमारी जो मतलब इंडियन इकोनॉमी है, पहले हमें जो टाइटल मिला हुआ था इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो टाइटल अब हम खो चुके हैं, क्योंकि अभी चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी जो इस लास्ट क्वार्टर में, वो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ थी 6.4%, मगर हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी रह गई, 5.8%। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो तीनों सेक्टर से जो इनकम आती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारी जो फोर्थ क्वार्टर की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, वो 5.8 आई है, जबकि चाइना की 6.4 है। इसलिए हमारा जो फास्टेस्ट, हम कहते हैं ना कि इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो टाइटल अब हम खो चुके हैं, ठीक है। तो इंडिया अब वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं रहा है, अब ये टाइटल किसने ले लिया है, चाइना ने। हमारे देश में अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा हाई रही है। तो एक ऑफिस है अपनी CSO, सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, इन्होंने मतलब अभी एक डेटा रिलीज किया है जिसमें बताया है कि इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी की जो दर है, वो 6.1 रही है, जो कि 45 साल में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो 2017-18 के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूछी जा सकती है कितनी है, 6.1%। किसने रिलीज किया डेटा, सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, CSO। अभी रिसेंटली आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, पहले ये नहीं हुआ करती थी, अब एक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई गई है, जो कि एक सबसे सुप्रीम बॉडी है, जो क्या करेगी, अपने जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगी, और कंट्रोल करने के साथ साथ उनके डेवलपमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, इसको मर्ज करके बनाया गया है, पहले एक मिनिस्ट्री हुआ करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज और ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके क्या बना दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना दी गई है। और इसके मिनिस्टर कौन रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले दिखा देता हूँ। ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो राजस्थान के हैं, MP हैं राजस्थान से, जोधपुर से, गजेंद्र सिंह शेखावत रहेंगे मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर रहेंगे, और ये कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं, ठीक है। साथ के साथ में इनको सपोर्ट करने के लिए स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, रतन लाल कटारिया, ये भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जल शक्ति के, ठीक है। इस मिशन को लीड कौन करेगा, ध्यान रखना, राजस्थान के MP या मिनिस्टर कौन है, राजस्थान के MP गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मिनिस्टर हैं, जो कि कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं। और इनका एक प्लान है कि 2024 तक सभी को प्रत्येक घर में
पाइप्ड वाटर पहुंचेगा, मतलब नल से पानी पहुंच जाएगा 2024 तक, ये इनका मिशन है। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बीच में जो भी मिनिस्टर न्यूज़ में आता रहेगा हम उसको दिखाते रहेंगे साथ के साथ में, ताकि रिवीजन होता रहे। हालांकि मैं जितने भी मिनिस्टर हैं उनकी एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, मोदी सरकार 2.0, आप उसको देख भी सकते हो। ठीक है, तो फिर भी जो भी न्यूज़ में रहेगा उसको हम रिवाइज करते रहेंगे, सो दैट कुछ ही दिनों में हमें अच्छी तरह से पता चल जाए। अभी आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने डिक्लेयर किया कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑब्जर्व करेंगे। तो आरबीआई क्या है, हर साल मतलब क्या करते हैं, जून का जो पहला वीक होता है उसमें ये मनाते हैं उसको फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाने का मतलब क्या, फाइनेंशियल लिटरेसी, लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता, फाइनेंशियल मतलब मनी से रिलेटेड। तो इसमें क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी में जो मतलब लोग हैं उनको फाइनेंशियल मतलब ऑनलाइन सिस्टम के बारे में, फाइनेंस के बारे में, बैंकिंग सिस्टम के बारे में लोगों को अवेयर कराया जाएगा, सो दैट लोग बाग अवेयर हो सकें कि बैंकिंग सिस्टम क्या है, कैसे इनको यूज करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, हाउ दे कैन यूज इन इफेक्टिव मैनर। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, क्या कहते हैं, अवेयरनेस फैलाई जाएगी, किसमें, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक में। तो ये कब कब स्टार्ट होगा, ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा जून 3 को, ध्यान रखना 3 जून से ये स्टार्ट होने वाला है, और जनरली हर साल इसको ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ दी जून। इस बार की जो थीम है वो है फार्मर्स एंड हाउ दे बेनिफिट बाई बींग ए पार्ट ऑफ फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, किसान और किसान कैसे मतलब अगर बैंकिंग सिस्टम का पार्ट बनते हैं तो कैसे उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी एक जो कमेटी बनाई थी कुछ समय पहले, कस्तूरी रंजन कमेटी, कस्तूरी रंजन कमेटी, कस्तूरी रंजन कमेटी ने क्या किया है, कस्तूरी रंगन है सॉरी, कस्तूरी रंगन कमेटी ने क्या किया है, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड एक ड्राफ्ट पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी मतलब क्या किया है, उसको सबमिट किया है, किसको, एचआरडी मिनिस्ट्री को, एचआरडी मिनिस्ट्री के फ्लो में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को कस्तूरी रंगन कमेटी ने अपनी एक ड्राफ्ट सबमिट किया है, किससे रिलेटेड ड्राफ्ट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ध्यान रखना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित ड्राफ्ट क्या किया है, सबमिट किया है किसको, एचआरडी मिनिस्टर, और एचआरडी मिनिस्टर कौन है आज की डेट में, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक, तो यहाँ पर मैं देख सकते हो आप, ये हैं नरेश पोखरियाल निशंक, इनको क्या दिया गया है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसका ड्राफ्ट सबमिट किया है, और ड्राफ्ट किसने सबमिट किया है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी। और ये कैसी, ये कस्तूरी रंजन कौन है, कस्तूरी रंगन है इसरो के चीफ, पहले इसरो के चीफ रह चुके हैं, ध्यान रखना है, और इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो रमेश पोखरियाल ये भी कैबिनेट मिनिस्टर है, ध्यान रखना, और कौन से मिनिस्टर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी मिनिस्टर हैं, ध्यान रखना, एचआरडी मानव संसाधन विकास। अभी एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, मोदी की जो टीम है, मोदी का जो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उसमें 6 महिलाओं को जगह मिली है, पहली है निर्मला सीतारमन, फिर स्मृति ईरानी, हरसिमरत कौर बादल, साध्वी निरंजन ज्योति, रेणुका सिंह सरूता और देवाश्री चौधरी, इन सबको क्या है, बीजेपी की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसमें जगह मिली है। साथ ही साथ उसमें खास बात क्या है कि जो मोदी का कैबिनेट है, देखो कैबिनेट मिनिस्टर जो सबसे हाई रैंक के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट में 3 महिलाओं को जगह मिली है, पहली है हमारी निर्मला सीतारमन, जो कि क्या बनाई गई हैं, ये बनाई गई हैं देश की पहली फुल टाइम फाइनेंस्ड मिनिस्टर बनाई गई है, फुल टाइम फाइनेंस्ड मिनिस्टर वुमेन है ये। ठीक है, ऐसी महिलाएँ जो पहली बार अब तक फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगी, इससे पहले ये डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, और ये हैं स्मृति ईरानी, इनको दिया गया है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी है, साथ के साथ में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी दी गई है, और ये हैं हरसिमरत बादल कौर, इनको दिया गया है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो निर्मला सीतारमन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं, हरसिमरत कौर बादल इनको मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाया गया है, और इसके बाद हैं स्मृति जुबेल ईरानी, इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। तो ये 3 महिलाएं ऐसी हैं जो क्या है मोदी जी के कैबिनेट में अभी प्रेजेंट में। ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे, आपको पता है एक यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कुछ, वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जून को, तो हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं, और कब से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, 2001 से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है, तो वो है हमारा भारत, इंडिया, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क का कंजप्शन कहाँ पे होता है, मतलब मिल्क का यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, वो भी इंडिया में होता है। और इस बार की 2019 की जो थीम है वर्ल्ड मिल्क डे की, वो क्या थी, ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे, दूध पियो आज और प्रत्येक दिन। ठीक है, और ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है, तो वो स्टेट है उत्तर प्रदेश।
सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।